मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल लीप वर्ष के संयोग से सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं 16 जनवरी से विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को है। इस दिन पोष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी कुंभ राशि का चंद्रमा रहेगा, साथ ही व्यतिपात व रवि योग के साथ लाभकारी है। शुभ उद्घात तिथि सुबह 7:13 से 9:31 तक रवि व्यतिपात योग रहेगा, उसके बाद वर्यान योग बन रहा है। यह सूर्य पूजा का महापर्व है, इसीलिए मकर संक्रांति का अन्य संक्रांतियों से ज्यादा महत्व है। मकर संक्रांति एक ऋतु पर्व है, यह हेमंत और शीत ऋतु का संधिकाल है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों की अवधि 6-6 महीने की होती है, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करते हुए मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण करता है तो इसे उत्तरायण कहते हैं। जब दक्षिण दिशा की ओर कर्क राशि से धनु राशि तक का भ्रमण करता है तो इसे दक्षिणायन कहते हैं। मकर संक्रांति उत्तरायण सूर्य का आगमन के साथ में संक्रांति पर्व मनाया जाता है। सूर्य चंद्र से ही जितने भी तिथि त्यौहार मनाए जाते हैं। उत्तरायण सूर्य पोष मास की चतुर्थी के दिन सोमवार के दिन हो रहा है। इस बार एक विशेष योग बन रहा है, व्यतिपात योग के उपरांत वरियान योग और रवि योग शुभ योग में मकर संक्रांति का पर्व बनाया जाएगा। और इस दिन तीर्थ स्नानों में स्नानों का क्रम होता है। दान पुण्य के रूप में तिल और गुड़ का दान का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। षष्ठी में सूर्य का आगमन होने के साथ में ही जातक जीवन में मनुष्य को जितने भी देह संबंधित बीमारियां होती है वो दूर होती है। और जो भी रवि योग में इस योग में सूर्य को अर्घ देकर इन चीज़ों का दान करता है तीर्थ स्थानों में, तो उन्हें निश्चित तौर पर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। जय श्री महाकाल।